हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैन बास्केट के बारे में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि मैन बास्केट यानी कि होता क्या है और इस मैन बास्केट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैन बास्केट यानी कि होता क्या है। मैन बास्केट उसके अलग अलग नाम आते हैं, जैसे कि मैन बास्केट को वर्क प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, कंस्ट्रक्शन केज भी कहते हैं, सेफ्टी केज भी कहते हैं, या फिर पर्सनल बास्केट भी कहते हैं। और इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट पर किया जाता है, वो भी वर्कर को सेफली ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। चलिए अब जानते हैं कि इस मैन बास्केट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो भी मैन बास्केट है उसको स्टैंडर्ड के मुताबिक डिज़ाइन करना है और फैब्रिकेटेड करना है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि इस मैन बास्केट का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि मैन बास्केट से जब भी आप वर्कर को ट्रांसपोर्ट करते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उस ट्रांसपोर्ट के वक्त उस मैन बास्केट में जो भी स्विंगिंग आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए टू टैग लाइन यानी कि गाइड रोप का आपको वहां पर इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी लिफ्टिंग गियर्स का इस्तेमाल मैन बास्केट के साथ हो रहा है तो वो जो है वो डैमेज फ्री होना चाहिए, यानी कि उस लिफ्टिंग गियर में कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि लोड बेरिंग कैपेसिटी उस मैन बास्केट की क्या है वो उसके ऊपर रिटर्न होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि शैकल के साथ में क्वार्टर पिन का वहां पर इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि मैन बास्केट का इस्तेमाल करके जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो तो वो जो सारी एक्टिविटी है वो क्रिटिकल एक्टिविटी में कंसिडर की जाती है। इसलिए आपके पास उस मैन बास्केट की जो भी एक्टिविटी आप करने वाले हो यानी कि जो भी आप जॉब करने वाले हो तो उसका रिस्क असेसमेंट आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि उस मैन बास्केट का लोड टेस्ट जो है वो होना चाहिए। तो उसके लिए जो है आप उसके अंदर सैंड बैग जो है वो रख सकते हो, या फिर उसकी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार जो है आप उसमें लोड रख सकते हो। और ऐसा आपको हर बार करना है जब भी आपको आदमी को उस मैन बास्केट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है या फिर भेजना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि वायर रोप स्लिंग और बास्केट के बीच में जो भी एंगल होता है वो मोर देन 45 डिग्री होना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एंगल कम रहेगा तो बास्केट की जो स्लिंग है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि क्रेन हुक के ऊपर आपको लाइफ लाइन जो है वो इंस्टॉल करनी होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि मैन बास्केट और स्लिंग के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो होना चाहिए 7:1। अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी सभी पीपीज है उसका आपको इंस्पेक्शन करना है उस मैन बास्केट का इस्तेमाल करने से पहले। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अप्रूव जो भी फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है उसी को ही आपको पहनना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि लिफ्टिंग प्लान आपके पास होना चाहिए। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सर्टिफाइड रिगर का ही वहां पर इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि मैन बास्केट क्या होता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।